हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेरणास किचन। प्रेरणास किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी पात्रा। सब इसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। उसके लिए मैं लूंगी अरबी के पत्ते, उन्हें धोकर मैंने क्लीन किया है और स्टेम्स कट कर लिए हैं। फिर मैं लूंगी 1½ कप चिकपी फ्लोर, ¼ टीस्पून ऑफ टर्मरिक, हल्दी, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू अवर टेस्ट, मैंने लिया है 2 टीस्पून, 1 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ जीरा सीड्स, पिंच ऑफ हींग, 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला, 1 टीस्पून ऑफ फेनल सीड्स, रेड चिली आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अगर आप तीखा खाते हैं तो ज़्यादा लीजिए, आमचूर पाउडर, 2 टीस्पून ऑफ ऑयल। इसमें अब आप वाटर डाल के एक बैटर रेडी कर लेंगे, ना ज़्यादा लिक्विड ना ज़्यादा कड़ा, और केक के बैटर की तरह हमें लेना है बैटर। इन्हें अब लीफ पे हम प्रॉपरली इवनली अप्लाई करेंगे और एक के ऊपर एक लीफ को रखकर फिर हम बैटर अप्लाई करेंगे। ऐसे मैंने 8 और 10 लीव्स लिया है, पर मुझे बंच एक ही बनाना है सो दैट लेयरिंग प्रॉपर दिखेगा हमारा। ये प्रोसेस हमें सभी लीव्स के लिए करना है। अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो आप उसके अकॉर्डिंग अरबी के पत्ते ले सकते हैं। फिर हम साइड्स को फोल्ड करेंगे बैटर को अप्लाई करते हुए और इसका एक टाइट रोल तैयार करेंगे। जितना भी बैटर है आप पूरा इस पर अप्लाई कर दीजिए ताकि हमारा रोल ओपन ना हो। और इधर मैंने साइड में पॉट में पानी डाला है और ये प्लेट रखा है, इसे मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म कर लूँगी बॉयल आने तक। और इस प्लेट को मैंने ऑयल से ग्रीस किया हुआ है, इसे ढक के मैंने, ये इडली का पॉट है मेरा, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप कढ़ाई के ऊपर भी प्लेट रख के ले सकते हैं और उसे थाली से ढककर यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मुझे 20 मिनट्स के लिए रोल को स्टीम करना होगा ताकि ये अंदर तक अच्छा पक जाए। आपको पता है कितनी सारी लेयर्स है, सारी लेयर्स हमारी प्रॉपरली पक जाना चाहिए। देखिए अब मैं नाइफ़ की हेल्प से इसे चेक करूँगी, जैसे हम खमन को देखते हैं या केक को देखते हैं। अब मैं ने इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं, देखिए कितनी अच्छी लेयरिंग आई है इसकी। बेसन और हमारा पत्ता अलग अलग दिख रहा है इसमें। अब मैं एक कढ़ाई में ऑयल गरम करूंगी और उसमें मैंने डालूंगी जीरा, तिल, सिसमे सीड्स। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये हमारे सारे पात्रा में इसे क्रिस्पी करने के लिए इसे तेल में फ्राई करूँगी। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट हाँ कम ऑयल में आप फ्राई करेंगे तो इट विल बी हेल्दी फॉर यू, सो आई एम यूजिंग दिस। अभी ने टर्न करते हुए आपको दोनों साइड से क्रिस्पी करना है। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 लेमन जूस ताकि ऊपर भी इसका टेस्ट प्रॉपरली आए। मैंने ये 1/2 लेमन इधर डाला है और सेकंड दूसरी तरफ भी मैं डालूंगी शुगर, सॉल्ट और लेमन। शुगर से ही हमारा क्रिस्पीनेस बढ़ जाएगा इसका और ये बहुत टाइम तक क्रिस्पी रहेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पे आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं फ्रीज़र में, और अगर आप चाहते हैं तो हफ्ते भर आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। अब फिर से इन्हें तवा या कढ़ाई में लेकर थोड़ा सा ऑयल डालकर आप गर्म करके फिर सर्व कर सकते हैं, खराब नहीं होते हैं। ये देखिए इस तरीके से मेरे ये पात्रास दोनों साइड से क्रिस्पी हो गए हैं। अब मैं दूसरा जो मेरा बचा हुआ था वो भी मैं इन्हें कड़क कर लूँगी। ये देखिए पात्रा मेरे रेडी हो गए हैं। अब गार्निशिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कोकोनट, क्रश कोकोनट एंड कोरिएंडर। आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा और लेमन शुगर और सॉल्ट डाल सकते हैं, वैसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इनका। हमारे होम मेड हाथ के बने हुए टेस्टी अरबी के पात्रा रेडी हो गए हैं। जल्दी से खाकर मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको मेरे पात्रास कैसे लगे, रेसिपी कैसी लगी। इस टाइप की यम्मी और इनोवेटिव रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।